दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो आज मैं आपको धन ऐप में चार्ट सेटिंग के बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। साथ ही में यहाँ पर हम ट्रेडिंग सेटिंग के बारे में भी देखने वाले हैं। यानी कि जो भी आपने ट्रेडिंग सेटिंग में चार्ट सेटिंग में कुछ चेंजेस कर दिया होगा उसको आप पहले के जैसा कैसे कर सकते हो, नॉर्मल आप कैसे कर सकते हो। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं चार्ट को ओपन करूँगा। सो यहाँ पे मैं कोई भी चार्ट ले लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर चार्ट लेना है, क्योंकि चार्ट आपको सबका सेम ही देखने को मिलता है। सो अभी यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करूँगा। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी मेरा चार्ट है नॉर्मल है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, उल्टा फुल्टा कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि जो भी चार्ट है इसको आप कैसे सही कर सकते हो। यहाँ पे गाइस मैं आपको सेटिंग भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको सेटिंग में आना है, एंड सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ये ट्रेडिंग सेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर आपको ट्रेडिंग सेटिंग देखने को नहीं मिल रही है तो जो भी एरो है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको पूरा चार्ट सेटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपका सिंबल हो गया, स्टेटस लाइन हो गया, स्केल्स, एफिरेंस एंड ट्रेडिंग सेटिंग। सो इतना सारे यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ट्रेडिंग सेटिंग की बात करें तो जैसे यहाँ पे भी इंस्टेंट ऑर्डर मैंने लगा के नहीं रखा है, इसको भी यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, सभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। एंड जो भी चार्ट रहेगा उसके बाद यहाँ पे इसको सही करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसको भी चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सब पे टिक कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको नॉर्मल करेंगे। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा उल्टा फुल्टा कर लेता हूँ, ऑटो फिट करके इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इन्वर्ट स्केल पे क्लिक कर देते हैं ताकि जो भी हमारा चार्ट है उल्टा हो जाए। सो अभी यहाँ पे आप देखोगे रेड कैंडल ऊपर के लिए बढ़ रहा है, एंड जो ग्रीन कैंडल है नीचे के लिए बढ़ रहा है। एंड बाकी इस और भी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। ओके सो इतना काफ़ी है। अभी यहाँ पे हमें जो भी चार्ट है इसको पुराने जैसे करना है, पहले के जैसा करना है, नॉर्मल करना है। सो अभी नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे आपको दोबारा से सेटिंग में ही आना है। एंड सेटिंग में आने के बाद अभी जो भी एरो है इस पर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे थ्री डॉट आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अप्लाई डिफ़ॉल्ट का, सो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपका चार्ट रहेगा पूरा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी जैसे पहले था वैसे के वैसा हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे सो इस तरीके से यहाँ पे आपका चार्ट देखने को मिलेगा। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा चार्ट है ये तो यहाँ पे उल्टा ही बढ़ रहा है, बट यहाँ पे हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने जितना भी टिक किया था, यहाँ पे आप देखोगे ये टिक तो हट गया है पूरा। यहाँ पे जो भी पहले के जैसा था, सिम्बल वगैरह सब कुछ वैसा हो गया है। एंड ट्रेडिंग सेटिंग की बात करें सो यहाँ पे आप देखो ट्रेडिंग सेटिंग में भी यहाँ पे चेंजेस हो गया है। जितना यहाँ पे हमें पहले फीचर्स एक्टिवेट मिलता था उतने यहाँ पे फीचर्स एक्टिवेट मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे टिक कर दिया था जो कि अभी यहाँ पे हट गया है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपका चार्ट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से एक बार कर देना है। आप जितनी बार भी डिफ़ॉल्ट करोगे सो जो भी आपका चार्ट रहेगा यहाँ पे फिर से नया के जैसा हो जाएगा। अभी ये जो भी कैंडल है इसको सही करने के लिए आपको फिर से इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। जो भी इनवर्ट स्केल आ रहा है इसको आपको सही कर लेना है। सो गाइस अभी यहाँ पे हमारा जो भी सेटिंग है पूरा सही हो गया है। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आप देखो कैंडल का टाइमिंग नहीं दिखा रहा है। सो कैंडल का टाइम देखने के लिए यहाँ पे आपको फिर से काउंट डाउन टू बार क्लोज पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे आपको कैंडल का टाइम देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आप कुछ इस तरीके से धन डीमैट अकाउंट में जो भी ये ट्रेडिंग सेटिंग है, चार्ट सेटिंग है, इसको आप डिफॉल्ट यहाँ से कर सकते हो, पहले के जैसा कर सकते हो। और बाकी गाइस अगर आपको अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है चार्ट से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड, सो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।